खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। बता दें कि रीवा में सिरमौर क्षेत्र में दो आदिवासी के मौत पर विधायक के द्वारा कहा गया कि चचाई में हैजा और डायरिया की प्रकोप फैला है, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कुछ और दावा किए गए। स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा सिमरिया विधायक के दावा का एक अफवाह करार दिन का बुंद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल माँ पूजा अपना पंचे सभाजन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दें कि रीवा के सिरमौर क्षेत्र में दो आदिवासी के मौत के बाद कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के बयान सामने आवा, जहां उनके द्वारा हैजा और डायरिया से मौत के दावा किए गया, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा अफवाह बतावा गया। सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के द्वारा आरोप लगाए के कहा गया कि हैजा और डायरिया के प्रकोप से दुई मौत भई हैं। 15 लोग अभी ने सिरमौर अस्पताल में एडमिट हैं, जिनका उनके हाल पर छोड़ दिन गया है। अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं आई। उनका अपराध यह है कि उनका ग्रामीणन के द्वारा सिमरिया विधायक का वोट दिन गया। उनके द्वारा सरकार से कहा गया है कि आंदोलन और धरना प्रदर्शन के खातिर बाध्य न की जाए। पूरे मामले में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला के कहा है कि मौत हैजा और डायरिया से नहीं भय चचाई इलाके के नई बस्ती इलाका में डॉक्टर की टीम का भेजा गया रहा। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक 70 वर्षीय महिला के मौत भय जैसा मन में दावा किया जा रहा कि मौत उल्टी दस्त से भय, जबकि महिला के मौत उल्टी दस्त से नहीं भय। एक अलावा शाहपुर निवासी एक और व्यक्ति की मौत भय, जिनका उल्टी दस्त के साथ अलग तरह के स्वास्थ्य संबंधी जटिलता रही। चचाई में 15 बच्चा प्रभावित नहीं मिले आई। बस्ती में 1 से 2 बच्चा बीमार अवस्था में मिले हैं, जिनके बारे में स्टूल सैंपल कलेक्ट किए गए हैं ताकि पता लगावा जा सके कि इनका क्या बीमारी है। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक लगातार BMO सिरमौर के संपर्क में बने हैं। सिरमौर में स्वास्थ्य कैंप के आयोजन किया गया है, जबकि वार्ड क्रमांक 11 के जनपद सदस्य रामलाल कोल के मुताबिक चचाई आदिवासी बस्ती में कॉलरा की बीमारी फैली है, उल्टी दस्त के प्रकोप है, लेकिन शासन और प्रशासन को उनमें से ध्यान नहीं दे रहा। ये वजह से एक आदिवासी भाई की मौत हुई गई। इससे पहले एक मृत्यु हो चुकी रही और स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ नहीं पहुंचे। उनके द्वारा मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई कि चचाई ग्राम पंचायत में शिविर लगा के जन जन के इलाज करवाया जाए ताकि गरीब जनता की जान बच सके। सजग रही, सतर्क रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। हैजा और डायरिया के प्रकोप से जो मौतें हुई हैं दो, और जैसा मुझे सूचित किया गया है, और 15 लोग सिरमौर अस्पताल में अभी एडमिट हैं। रात को ये देर रात जानकारी आई 12:01 बजे। अब 12:01 बजे रात किसी से बात करना बड़ा दुष्कर था, और SDM को तो फोन उठाना नहीं है। उन्हें तो जो फायदे का कारोबार है जो कर रहे हैं, उसके अलावा लूटपाट के अलावा उन्हें जाने से कोई लेना देना नहीं। बड़े CHC है, हमारा चचाई खुद ही CHC हल्का है, पटवारी हल्का है, ना वहाँ पटवारी ना वहाँ अस्पताल में कोई डॉक्टर। अब सोचिए कि अचानक से 5 मिनट में तो प्रकोप आया नहीं होगा, 2-4 दिन से चला होगा, तो वहाँ ना कोई डॉक्टर ना कोई स्टाफ ना कि इनको जानकारी नहीं। अभी मैंने CMHO से बात की, उनको कोई जानकारी नहीं। मैंने कलेक्टर मैडम से बात की, उनको कोई जानकारी नहीं। हमारे रीवा के माननीय राजेंद्र शुक्ला जी खुद स्वास्थ्य मंत्री और उनके गृह जिला में ये आलम है। सिमरिया में तो सभी विकास कार्य उन्होंने रोक ही रखे हैं, लोगों को अधिकारियों को निर्देश कर रखा है कि वहाँ 1 रुपये का कोई काम नहीं होना चाहिए। साथ ही लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है कि लोग मर रहे हैं तो मरने दो। उनका अपराध ये है कि उन्होंने हमको वोट दिया। इस तरह से मानवता के विपरीत जाकर इनके द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं। मैंने अभी मैडम से बात की है कि वहाँ पर भेजे। आज यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सरकार की बैठक थी, उसके कारण मैं यहाँ भोपाल आया था। मैं भी पहुँचूंगा, और मेरा ये मैंने प्रशासन से भी कहा है कि हमें आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए सड़क पर विवश न करें, जाए और लोगों की सेवा करें, लोगों को बचाए, जो बच सकते हों उनको बचा दें, वहाँ कैंप लगाए। इतना मैंने कहा। सदस्य वार्ड क्रमांक 11, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत चचाई आदिवासी बस्ती में आज 20 दिन से कालरा की बीमारी छिटकी हुई है और उल्टी दस्त के प्रकोप लिया है, लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना कोई इलाज सही ढंग से हॉस्पिटल में हो रहा है, और हमारे आज ये दद्दी आदिवासी की मृत्यु हो चुकी है और इनका यहाँ दाह संस्कार हो रहा है। इसके 10 दिन पहले मुन्नी आदिवासी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कोई नयागनबाड़ी से
न कोई स्वास्थ्य विभाग से। मैं यही निवेदन करता हूं कि मीडिया के माध्यम से ये मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए। माननीय राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री जी को ये मेरी वीडियो और ये मेरा दुख दर्द है शामिल किया जाए, उसमें झांसा मैंने न दिलाया जाए कि मैं दवाई दे रहा हूं कि दवाई करवा रहा हूं।